विभिन्न संस्कृति और मान्यताओं वाले भारत के छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर जहां होती है कुत्ते की पूजा। कुकुरदेव मंदिर में कुत्ते के साथ शिवलिंग की भी होती है पूजा। ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर का निर्माण फणिनागवंशी शासकों द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच कराया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कुकुरदेव मंदिर में झुकाया था अपना सर। नमस्कार, मैं राजेश, आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। विभिन्न संस्कृति और मान्यताओं वाले भारत के छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां कुत्ते की पूजा की जाती है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी बड़ी रोचक है और लोगों की इसमें गहरी आस्था है। यहां आने वाला हर शख्स मंदिर में सिर झुकाने जरूर आता है। मंदिर छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर खपरी गाँव में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर को कुकुरदेव मंदिर से जाना जाता है। यह मंदिर किसी देवता को नहीं बल्कि कुत्ते को समर्पित है। दर्शन को लेकर यहाँ ये मान्यताएं हैं कि कुकुरदेव मंदिर में कुत्ते के साथ शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि कुकुरदेव का दर्शन करने से न कुकुर खांसी होने का डर होता है और न ही कुत्ते के काटने का खतरा रहता है। जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि राजनेता भी यहाँ सर झुकाते हैं। गौरतलब है कि कोई राजनेता इस क्षेत्र में आता है तो यहाँ दर्शन करने जरूर पहुँचता है। कुछ दिनों पहले बालोद दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने कुकुरदेव मंदिर में बेजुबान जानवर की वफादारी के आगे सिर झुकाया था और लोक आस्था को नमन करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करी थी। इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर का निर्माण फणिनागवंशी शासकों द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। गर्भगृह में जलधारी योनिपीठ पर शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। ठीक उसी के पास स्वामी भक्त कुत्ते की प्रतिमा भी स्थापित है। लोगों की अटूट आस्था इस स्थल के प्रति है। वास्तव में कुकुरदेव मंदिर एक स्मारक है जिसे एक वफादार कुत्ते की याद में बनाया गया था। बाद में मंदिर का रूप ले लिया गया और लोक आस्था से जुड़ गया। इस मंदिर के पीछे एक बंजारे और उसे पालतू कुत्ते की कहानी जुड़ी हुई है। लोक मान्यता के अनुसार सदियों पहले एक बंजारा अपने कुत्ते और परिवार के साथ यहाँ आया था। गांव में एक बार अकाल पड़ गया तो बंजारे ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज को वापस नहीं कर पाया। ऐसे में उसने अपना वफादार कुत्ता साहूकार के पास गिरवी रख दिया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ चोरी हो गई, लेकिन कुत्ते को उसे लूटे हुए माल के बारे में पता चल गया और वो साहूकार को वहां तक ले गया। कुत्ते की बताई जगह पर साहूकार ने गड्ढा खोदा तो उसे अपना सारा माल मिल गया। इससे खुश होकर उसने कुत्ते की गले में पर्ची लगाकर उसे उसके वास्तविक मालिक के पास भेज दिया। कुत्ता जैसे ही बंजारे के पास पहुंचा, उसे लगा कि वो साहूकार के पास से भाग कर आया है, इसलिए उसने गुस्से में आकर कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन जब उसने पर्ची देखी तो उसे पछतावा हुआ। उसके बाद उसने उसी जगह कुत्ते को दफना दिया और उस पर स्मारक बनवा दिया, जो बाद में मंदिर बन गया। जानकारी के मुताबिक मंदिर के नजदीक ही बंजारे के नाम का गाँव बताया जाता है कि खपरी गाँव के कुकुरदेव मंदिर के सामने की सड़क को पार करते ही माली धोरी गांव शुरू होता है। इस गांव का नाम माली धोती बंजारा के नाम पर पड़ा। यही वफादार कुत्ते का वास्तविक मालिक था और साहूकार का कर्ज न चुका पाने के बाद वो इस गांव में रहने लगा था। नवरात्र के दौरान लोग यहां मनोकामना ज्योतिष कलश प्रज्वलित करते हैं। लोग इस ज्योतिष कलश को वफादारी की ज्योत भी मानते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। सावन में यहाँ लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। इस दौरान गांव में मेले जैसा माहौल होता है।